तू भी मेरे जैसा अकेला है कह रहे कह रहे तुम दोनों जुड़वा है क्या? किससे बात कर रही तू? झाड़ से बात कर रही, दीवालों से बात कर रही, एड़ी तो नहीं होगी बोधिगत की तू? पागल हो गई? पागल बिगल नहीं हो गई, किससे बात करूं मैं? तुम तो सारा दिन चले जाते काम पे, रह जाती मैं अकेली घर पे, अब झाड़ से बात नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? बच्चे भी तो है नहीं अपने को। बात करी, अरे बात करने करने में बुद्धिगत की पागल हो जाएंगी, मेरे को दूल्हे की जगह मामू कह देंगी तू। भरोसा है क्या तेरा? नहीं चाहते ना तुम ऐसा, तो तुम एक काम करो, चलो मेरे को कैसे भी बच्चे ला दो। हाँ बच्चों के तो खेल लगे लेना रोड पे, तुझे बच्चे ला दूँ। मेरे को कुछ नहीं मालूम, मेरे को बच्चे होना मेरे को। अरे एड़ी तू मेरे से बच्चे मांग रही, गोलियां बिस्कुट नहीं मांग रही? जाऊ भाग के लेके आके ला दूँ। क्या करना क्या करना? अरे हाँ एक काम करते अपन, अपन है ना एक आधी पोरिया गोद ले लेते, क्या बोलती? सच्ची? एक है मनुष्य आए बुद्धिगत का, उसके पास चलते, वो अपना काम कर दे। चलो ना फिर। चल। दगड़िया दादा, ओ दगड़िया दादा, दगड़िया दादा, ये दगड़िया। अरे अबे छुट्टा उट्टा नहीं है, चल जा आगे जा। आधे रिका में लखपति तेको, क्या हम क्या भिखारी दिख रहे करे? अरे मेरे को कपड़े देके टप भी नहीं होने, चल जा। अरे तू क्या टप लेगा रे भगोने के मुंह के, भूल गया क्या तू? भूल गया क्या मैंने तेको फोन करा था? अरे तू जाने, अरे तो पहले बोलने होना था ना। तू का बोलन दे रहा है? तू तो जूते भिगा भिगा के मार रहा ना हमको, कभी भिखा भी बना रहा, कभी टप वाला बना रहा। अरे छोड़ वो रिकामिया बाता, चल बैठ के बात करते, आ जा। अच्छा इनके वास्ते पोरिया देख रहा तू? Oh, no! चल बताओ पोरिया कैसा होना? अनपढ़ होना क्या पढ़ा लिखा होना? अरे दादा तेरे दिमाग में ना पानी जमगा, समझ रहा क्या? अरे कैसे बात करूं तू, ये मेरी औरत है। हम बच्चा गोद लेने आए ले, तू क्या शादी करा रहा क्या ऐसा? हाँ चल बता तेको बच्चे कैसे होना, बता कैसे बच्चे होना। एक काम करना दादा, एक पोरिया को तल दे, एक पोरिया को भून दे, और पोरी का ना अच्छा मजे का ऐसा गाढ़ा सालन बना के दे दे। बोल ना तू खाली, कैसा बच्चा होना? काला होना, गोरा होना, नाटा होना, लंबा होना, लंगड़ा होना, लूला होना, सीधा साधा होना, डामिस होना, सही मेरे को खाली। ए भाई ये तूने क्या बच्चे की क्या अपने गठरी पूरी खोल दिया, पूरा बाजार लगा दिया क्या बच्चों का? मैं क्या कहता दादा, मेरे को कैसा बच्चा होना तेको मालूम है? एकदम मासूम यतीम सूरत का, ऐसा जीने भी देखे क्या? ऐसा झलझला के ऐसा गोद में उठाना पौधे को, वो ऐसा पौधे बता बता ऐसा ही बच्चा होना हमको। हाँ तुम्हारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है ना। हाँ एक बच्चा है मेरी नजर में, चलो दिखाता मैं। अरे वाह मिल गया है ना। हाँ चलो, अरे बहुत काम का आदमी हूँ है मनुष्य, तो क्या हुआ? चल शाहरुख, ए शाहरुख, ये शाहरुख है, ये शाहरुख है। क्या मामू इतना क्यों अल्लाह रहेंगे तुम? अरे अल्लाह ने के मुंह के देख, ये तेको गोद लेने आए ले। अरे वाह मुझे गोद लेने आए? अरे मामू कितने अच्छे है तुम बाबा। गोद लेने आए, गोद लेने आए, ये माले को पोज बना दो। Oh, no! नहीं बेटा तू खाए। हाँ तू खाए, और जल्दी जा बेटा ऊपर है ना। तो बात बता कौन के जन्म का बदला ले रहा बुद्धिगत के तू मेरे से? दगड़िया मैंने तुझको कहा था कि एक आधी शरीफ मासूम बच्चा बता, तो तू ये ऐसा बता रहा गुटके खा रहा। अरे जैनिया जरा माया की नजर से देख, जरा कितना मासूम यतीम कह रहा तू। अरे पूरा मुंह भी उसके यतीम खाने ही दिख रहा है। क्या माया से देखूं, उसकी नजर में हया नहीं है बुद्धिगत के की। चलती फिरती गुटके की है ना एडवर्टाइज है वो, मालूम है क्या? बाता करेगा तू, एक बात बता बेटा, दिन भर में कितने पूरे खाता मां? ज्यादा नहीं बाबा, 15-20। बस 15-20 ही खाता, देख रहे 700 रुपए रोज का खर्चा है उसका। अरे बाबा तुम कितने अच्छे, ये तुम भी खाओ ना। अरे तू खा ले उधर, मैं है ना यहाँ पे पूरा गोद लेने आया, कैंसर गोद नहीं लेने आया मैं, समझ रहा क्या? चलो। अरे छोड़ ना ये रिकामे साले, ये तो लोग गोद लेने नहीं आएंगे तेकू, खंदा देने आएंगे, चल जानिया।
मैं दूसरा बच्चा बताता तेरे को। माँ माँ मुझे छोड़ के मत जा माँ, मैं यतीम किसके सारे जीऊंगा। बाबूजी रुक जाओ, ऐसा मत करो बाबूजी। रुक जा, रुक जा माँ, मुझे छोड़ के मत जा माँ, रुक जाओ बाबूजी। क्या रे दादा, हाँ कैसा पोरिया? मैंने देखो बोला था कि एक आदमी शरीफ मासूम पोरिया बता, तो इतना बेतुक्का बताया तूने। हाँ कितने गुटके खा रहा था, देख रहा था क्या वो? हाँ नहीं तो क्या। अरे दादा घर पे ले जाने के बजाय उसको है ना दवा खाने में लेके जाना पड़ता था मालूम क्या? अभी है ना जैन्या, मैं तेरे को एकदम मासूम जानवर मतलब एकदम मासूम बच्चा बताता बा, कि तू है ना देखते से उसको गोदी में उठा लेगा। चल देख लेते वो भी। ऐसा बच्चा तेरे को गोद दिलाऊंगा ना बा, हाँ हाँ कि तेरी कली कली खुश हो जाएंगे। अभी हाँ तो सही बात ही कर रहा है। टाइगर? हाँ टाइगर, ये वाला टाइगर नहीं, इसका नाम है टाइगर श्राफ। टाइगर श्राफ दिखता। पर दादा मैं क्या कह रहा, हाँ तू है ना आंखें बंद कर ले। ऐसा क्यों? ओह नो, कि मैं तेरे को है ना गोदी में दूंगा वो बच्चा। हाँ। फिर तू है ना धीरे धीरे आंखें खोलना। देख मेरा कलेजा कैसा गद 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 हो गया है ना, तू भी आंखें बंद कर, बंद कर, बंद कर। ले दादा अब धीरे धीरे आंखें खोल। हाँ पौधे तो बड़ा मजबूत है। क्या है ये? अब क्या होना तेरे को? टाइगर शराब बोल के मोबाइल आई की बुद्धि दे दिया मेरे हाथ में तूने, तेरे को शर्म लगती है? और बेटा दगड़ा दादा तेरे को समझा देता मैं, अगर मेरी औरत डरवीर के उठी तो यकीन मान इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे जैनिया दुनिया में कितने अजूबे हैं? सात है। अरे तो आठवां ये रहेगा ना तेरे घर पे। आठवां अजूबा तेरे घर के चूल्हे पे रख दे और उसको बैठ के दिन रात देखते रहे तू आठवें अजूबे पे। अरे जरा देख कितना शरीफ और मासूम है ये। मासूम नहीं है, जलेला मशरूम है वो बुद्धिगत का। बाबा हाँ ये कौन है? ये तेरी माँ है बेटा नजर के गंदे। बस 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 उधर कान वही लगे, हट बेटा उधर चल चावल। मामू इनको समझा दो, तूने अभी मुझे ना गोद नहीं लिए ले, इनका कांड कर दूंगा, ये बिचारी गिधवा हो जाएगी। ये देखिए मासूम को देख मेरा कांड कर रहा बुद्धि का। ये जरा तेरा मुंह बंद कर, ये तेरे होने वाले माँ बाप है। ये मेरे होने वाले बाबा है ना, अभी से मेरे के हुक्म देता रहे, कल को कुछ हो जाएगा ना तो इनकी सारी जायदाद का वारिस मैं रहूंगा। देखा देखा कैसी मेरी जायदाद के पीछे पड़े ले भुक्का बुद्धिगत्ता। अरे लोगों की जायदाद के ऊपर है ना सांप बैठता, मेरी जायदाद के ऊपर मुंगल बैठे ले बुद्धिगत्ता। असल में क्या है मैं तेरे को बताऊँ क्या? क्या? जब ये पैदा हो रहा था ना तो इसके माँ बाप मर गए थे। इज्जतदार थे बेचारे, चले गए हैं। बाबा आने से पहले मेरी कुछ शर्त है। इरशाद वो जिल्ले सुबानी इरशाद। मैं जाऊंगा ना, हाँ स्कूल नहीं जाऊंगा। हाँ इसको टेको टेप खाना होना और जो केटी केक है ना होंडा होना उसके अंदर है ना हालत का पेट्रोल होना। ओह नो, और तो और मुझे ना आई खोल होना, आई खोल। ऐसा एक बात बताओ बेटा, मैं हाँ हालांकि मेरा जी नहीं कह रहा तेको बेटा कहने का, मगर मेरे घर में ना पैसों का झाड़ नहीं है। फल आया कितनी आते अरे क्या मांगू, क्या लुक्के माँ बाप लाए थे तूने? जा लेके जा अंबानी टाटा बिरला को लेके आना, ऐसे क्या लुक्के माँ बाप लाया? और तुमने भी है ना मेरा दिल तोड़ दिए। बुरी घट के चिचोड़ा पता कर, मार मत उसको, मैं तो गोद लेने से पहले बे औलाद हो जाएगा तू। अरे नहीं होना बे मेरे को ऐसी औलाद बुरी घट के। चल निकल, चल चले जाने। अबे जाने सुन ना, एक बात बता, मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा क्या था? नहीं रे मैं ना तो कैसे कैसे बच्चे बता रहा तू। अब मैं तुझको समझा दे रहा, अब ना मैं आंखें बंद करूंगा ना तू मेरे गोद में ला के देगा। हाँ ऐसे भी है ना जैन दादा, तू ना आंखें बंद कर ना गोद में ले। मैं क्या कह रहा, ये बच्चा फुल एंड फाइनल है, एकदम कम सुकून कम बोलता, और तो और ये है ना तेरे बुढ़ापे का सारा बनेगा। ये सब तेरी वजह से हो रहा मालूम है क्या? ना तू झाड़ से दीवाला से बात करती, ना ये अपुन निकलते इतने बखेड़ों में।
बच्चा तो मैं लेके ही जाऊंगी यार। ऐसा इतना जिद्दील पना कर देंगी तू है ना? हाँ। Oh no! मैं क्या कह रहा भाई, आपस में लड़ना छोड़ो, अब भी बुलाता पोरे हूँ। हाँ। पप्पू पप्पू अरे बाप रे बाप, बहुत ठंडी हवा चल रही बेटा। अरे तो चीचा, ठंडी हवा में इतने गरम भपके फेंक रहे तुम मुंह पे, हाँ? कोई बात है कि जरा दवा खाने में जाओ ना। अच्छा तो तुम लोग गोद लेने आए? खैर जान, तो बातें तो होते रहेंगे। मैं क्या कह रहा था, पोरिया को बुलाना। जैनिया दादा, मैं जो बच्चे की बात कर रहा ना, वो यही है। ये पोरिया है, ये बच्चा है। दगड़िया यकीन मान, इतना मारने का जी हो रहा था मेकू तेकू के, पूछने की बात नहीं, बुद्धिगत के मरेगा ना तो इनसे भी ज्यादा काला होगा तेरा। हाँ नहीं तो क्या, तूने क्या बोल के लाया मेकू कि ये पूरा तेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, है ना? अरे मेकू इनको देख के लग रहा है कि मेकू इनका सहारा बनना पड़ेगा। बापू तेरे हाथ जोड़ता, तू हमारा पीछा छोड़, इनको एक हाथ अच्छे दवा खाने में लेके जा, समझ रहा ना? बेचारे ने दुनिया नहीं देखे ले बाहर की। जा बेटा जा, मेरे सगे बेटे छोड़ के चले गए, जिनको मैंने पाल पोस के इतना बड़ा किया। अरे तू तो सगा भी नहीं है रे। जा बेटा, जी लूंगा मैं थोड़ी बहुत बची कुछी जिंदगी। जा जा, चले जा बेटा, चले जा, जब सगे नहीं हुए तो। जा बेटा, काय को बैठ गया तू, जा तू भी चले जा। अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था, हट उधर, हट कर उधर, हट। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम भी जरा जरा सी बात को सीरियस ले लेती है। सही में? अरे फिर मैं लेके चलूंगा ना तुमको मेरे घर पे, तुम भी तुम्हारे चार बेटों का दुख लेके बैठे हैं। अगर समाज में ढूंढे ना तो 400,000 ऐसे बेटे मिलेंगे जिनकी नजर में ना बाप की अहमियत बेवकूफ की रहती, मालूम है क्या? हाँ, वो बेवकूफ जिसने सारी जिंदगी पाला पोसा, अपने खून को पानी बनाया, हाँ? अपनी ख्वाहिश को मार डाला, और वो बच्चे है ना आखिरी में बाप को बोलते कि सॉरी अब्बा, अब हम तुमको संभाल नहीं सकते। तो ऐसे बच्चों का दुखी नहीं ना, झाड़ लगा लेना ना, कम से कम बैठने को छाव हो जाएंगी। ऐसे बच्चों को पालना ही नहीं, चलो मेरे साथ चलो। आज है ना जैनिया को है ना रेडीमेड बाप मिल गया है। हाँ चलो। हाय दोस्तों, तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी कमेंट कीजिए और हमारे चैनल चेरी फ्लिक्स को सब्सक्राइब कीजिए।